हेलो एवरीवन गुड इवनिंग तो बच्चों फिर से एक बारी स्वागत है सबका बायजू एग्जाम प्रेप पे तो मैं अमनदीप बट्टी आज आपके लिए एक नया जो है सेशन लेके आया हूँ इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं 15 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में फिर से आ सकते हैं ओके okay, तो बच्चे नॉर्मली जो है यूपीएससी में अगर हम बात करते हैं सी में तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं मेनली कॉन्सेप्ट रिपीट होता है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी जो है कई बार जो है दो या दो से ज्यादा बार पूछ चुका है तो हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर तो हेलो गाइस श्रद्धांजलि मंथन श्रद्धा सोनाली तो मैं सभी बच्चों का बायजू एग्जाम प्रेप पे वेलकम करता हूं तो बच्चे सभी के सभी जो है सेशन को शेयर कर देंगे साथ के साथ एंड लाइक like भी कर देंगे तो बच्चे दो पार्ट्स में हम ये सेशन करने वाले हैं आज 25 फाइव क्वेश्चन करेंगे 25 फाइव क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है सेशन में करेंगे सो so, हेलो ऐश्वर्या सुप्रिया सोनाली गुड इवनिंग बच्चों स्वागत है आपका भी बच्चों स्वागत है सभी का सो वेलकम गाइस वेलकम टू द सेशन यस यस जय हिंद समीक्षा निमी तो जल्दी से बच्चों आ जाइए तो 25 फाइव करने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से तो क्विकली आ जाइए ओके okay? तो सेशन ये जो है अब आप से आपके लिए जो है बच्चे काफी ज्यादा हेल्प हेल्पफुल सेशन आने वाले हैं और भी ज्यादा जो आपके बेसिकली मेनली एग्जाम्स के लिए ठीक है जो आपका एग्जाम है सी का फोर्टीन को उसके लिए सो गुड इवनिंग अमृता प्रत्युष स्मृति साक्षी सृष्टि जय हिंद बच्चे तो बच्चों जल्दी जल्दी से आते जाइए और बच्चे आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक जो है हमारा एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे ओके और सेशन को बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं सो गुड इवनिंग सोनू पिंटू तो बच्चों यस सो गुड इवनिंग आयस तो बच्चों शेयर कर दीजिए सबके सब सेशन को एक बारी हम थोड़ा सा वेट करते हैं थोड़े से बच्चे आ जाएं, फिर हम जो है इन 25 फाइव क्वेश्चन के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हेलो ऋषिका जय हिंद विशाल जय हिंद जय हिंद बच्चों हेलो सात्विक जय हिंद कैसे हैं बच्चों हेलो तो बच्चे जल्दी से आ जाइए सबके सब तो बात करेंगे सो बेस्ट फिफ्टी साइंस प्रीवियस इश्चन हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट के अंदर ट्वेंटी जय हिंद तो बच्चे एक बार बताइए okay? करने से पहले देख लें क्योंकि बच्चे एंड तक एनर्जी चाहिए 25 के 25 क्वेश्चन हम एक ही जो है एनर्जी से करने हैं ओके सो यस बच्चे सत्याकाल गुड इवनिंग बच्चे बढ़िया है बच्चों हैप्पी तो तो यस बच्चे एक ही एनर्जी लेवल से करना है ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज के सेशन को तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है तो देवी और सज्जनों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से यस सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है क्वेश्चन क्या है द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल इज ऑटोमोबिल्क विद वार्निंग ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर सच मिरर्स आर तो बच्चे आपने देखा होगा कि जो बाइक्स हो गई या गाड़ियां हो गई उनके जो साइड में मिरर लगे होते हैं जो रियर व्यू मिरर होते हैं उन पे स्पेशली लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर अब वो मिरर कौन से होते हैं ये बताना है ओके okay? <laughs> बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों वट काइंड ऑफ मिरर आर दोस जो गाड़ियों में लगे होते हैं सो so देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर देगा सो so अंशु निखिल शाइन विशाल धुनू बहुत बढ़िया बच्चे एल्स यस सौभाग्य शिखा अनामिका विपिन समीक्षा माही पिंटू मनत श्रद्धा विकास निखिल हैप्पी प्रांजलि बहुत बढ़िया बच्चे तो बच्चों गाड़ियों में जो मिरर्स लगाए जाते हैं जो साइड में वो कौन से मिरर्स होते हैं दे आर योर कॉन्वेक्स मिरर अब कॉन्वेक्स मिरर लगाने का क्या लॉजिक होता है तो बच्चे जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इसमें जो इमेज बनता है एक तो वो वर्चुअल होता है पहली चीज दूसरा जो है वो इमेर, जो इमेज है वो इरेक्ट होता है अब बच्चे कौन के मिरर में ऐसा केस नहीं होता है कौन के मिरर में इमेज इरेक्ट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट काफी फार है तो जो अगर हम बात करेंगे इमेज जो है हमारा इन्वर्टेड बनता है ठीक है तो ये मिरर तो चलेगा नहीं दूसरा जो है मेन जिस रीजन के लिए लगाया जाता है वो इस वजह से क्योंकि जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें स्मॉल साइज इमेज बनता है हमेशा इमेज स्मॉल साइज का बनेगा तो बच्चों इस वजह से जो इसका फील्ड व्यू है जो इस मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड व्यू है वो काफी ज्यादा हो जाता है मतलब एक छोटे से मिरर में आप बहुत सारा जो है पीछे का एरिया कवर कर जाते हैं इस वजह से बच्चों इन मिरर्स को यूज किया जाता है सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओके चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अ ब्रिक इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टू किलोमीटर अब द अर्थ ब्रिक विल फॉल विद बच्चे एक क्या है कि दो किलोमीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है वहां से हमने एक ईंट फेंक दी है वर्टिकली तो आपको बताना है जो ईंट है वो कैसे गिरे गई विद कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सलेशन कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम देन विद कांस्टेंट एक्सलेशन एज इट नियर्स द अर्थ बताइए बताइए बच्चे कैसे गिरेगी हमारी जो है ईंट So, ये कौन है सबसे पहले अंशु शाइन सौभाग्या निखिल बहुत बढ़िया बच्चे आंसर देते चलेंगे सब लोग यस yes, विकास प्रांजलि साक्षी श्रद्धा शिखा अंकित अनामिका अमनदीप श्रद्धांजलि विकास प्रत्युष अवधि बहुत बढ़िया बच्चे तो बच्चों बात करें तो जब ईट फेंकी जगह जाएगी तो वर्टिकली फेंकी है तो ईट ऐसे जाएगी फिर वो नीचे की तरफ आएगी अब जब नीचे की तरफ ईंट आएगी वो कैसा फॉल करेगी तो बच्चे पहले ऊपर जा रही है जा रही है यहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद ईंट जो है वो कैसा फॉल करने वाली है इट इज गोइंग टू डू फ्री फॉल तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है बच्चे ओके तो बच्चे उसका एक्सलेशन किसके बराबर हो जाता है जी के जी की वैल्यू कितनी होती है जी इज नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो जो हमारी ईंट है जो हमारी ब्रिक है इट इज गोइंग टू फॉल विद एक्सलेशन बिकॉज जी विल बी कॉन्स्टेंट तो जो ईट है वो कैसे गिरेगी एक समान संवे जो है हमारे त्वरण से नीचे गिरेगी तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पहला वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट दूसरा मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ एंड ऑन द मून एंड इन द स्पेस इज द सेम तीसरा वेटलेसनेस ऑफ वेटलेसने बॉडी अकर्स वेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंड फोर्थ वेट एंड मास ऑफ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हिंदी में है यस बताइए बच्चे च वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन कौन सा स्टेटमेंट जो है बच्चों सही है सॉरी oh, सही नहीं है सही तो बताना नहीं है हमें बताना है कौन सा गलत है विच इज नॉट करेक्ट ओके तो कौन सा सही नहीं है ये बताइए पक्का ओके okay? तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा बच्चा सही आंसर देगा सो so, पूजा वेरी गुड एनी्स अदर देन पूजा एक ही बच्चा अभी तक पूजा ने सही आंसर दिया है उसके अलावा एंड uh, समीक्षा है निखिल प्रत्युष ओके यस यस अमृता निखिल विशाल हैप्पी बहुत बढ़िया बच्चे क्या बात है अंकित शाइन तो बच्चे उसने नॉट करेक्ट पूछा है पहला स्टेटमेंट क्या है वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स जो कि सही है क्योंकि वेट होता है मास इन टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो प्लेनेट जब चेंज करेंगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट विल बी डिफरेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकेंड मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ ऑन द मून और इन द एम्प्टी स्पेस इज सेम विच इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो मास इज नोन एज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर या टोटल अमाउंट ऑफ मैटर तो आप चाहे मून पे जाए चाहे, चाहे अर्थ पे जाए चाहे स्पेस पे जाए सब जगह ये सेम रहेगा इट इज नॉट गोइंग टू चेंज सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट तीसरा क्या है कि वेटलेसनेस कब फील होता है भारहीन कब फील होता है तो बच्चे हमें हमारा वेट क्यों फील होता है वेट इज फेल्ट ड्यू टू जी क्या है कि अर्थ जो है हर बॉडी पे क्या लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है सो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी जो है अर्थ किसी भी सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगी उस फोर्स का नाम है वेट अब बच्चे अगर उस फोर्स के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाए तो वो ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर देगी जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस होगी हमारा वेट जीरो हो जाता है तो स्पेस में वेट जीरो क्यों होता है बिकॉज दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट फोर्स लाइक अगर हम स्पेस स्टेशन में जाते हैं तो बच्चे जो स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है कैसे ऑर्बिट कर रहा है कि यहां पे कैसे कर रहा है ना तो वो बाहर जा रहा है ना ही अंदर आ रहा है क्योंकि अर्थ उस पर लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा क्या है इस पे आउटर की तरफ लग रहा है सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो ये सेंट्री फ्यूगल ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर रही है जिस वजह से नेट फोर्स जीरो है तो वेटलेसनेस फील होती है नेक्स्ट वेट एंड मास ऑफ ए बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल दैट इज करेक्ट इन करेक्ट क्योंकि वेट होता है एम जी एंड मास है अकेला एम तो दोनों सेम नहीं हो सकते सो डी इज द रॉन्ग वन जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा है, ठीक है चले आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा बच्चे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट तो बच्चों न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं के लिए सही नहीं है रेस्ट मूविंग स्लोली मूविंग विद हाई वेलासिटी मूविंग विद वेलॉसिटी कंपेरेबल टू वेलॉसिटी ऑफ लाइट बताइए फोटोन अंकित फोटोन इज अ पार्टिकल विच हैव अ मास फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिए और आंसर दीजिए इसका वेरी गुड uh, अंशु विशाल अनुराग सौभाग्य विपिन तो बच्चे न्यूटन्स के जो लॉ थे लॉज ऑफ मोशन थे इनको क्या है कि वो कहां पे अप्लाई नहीं होते सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड तो वहां पर न्यूटन के लॉ नहीं लगेंगे वहां पर किसके लगेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन तो वहां पे आइंस्टीन के लॉ आते हैं तो न्यूटन्स के लॉ यहां पर फेल होते हैं ओके वेन ऑब्जेक्ट मूव विदॉसिटी ऑफ लाइट ओके सो डी विल बी द राइट आंसर कोई बात नहीं बच्चे अभी आगे बायो एंड केमिस्ट्री भी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर तो जो कहता है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो हर बोलेंगे कि सारे गैस के मॉलिक्यूल के लिए सेम रहती है एक गिवन टेम्परेचर पर स्पीड मास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ओके येस, येस, कर दो फिर सेंचुरी। बताइए। वुड बी द राइट आंसर बच्चे एक गिवन टेम्परेचर पे सभी सारी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है सो so, यहां पे है वेद प्रकाश वेरी गुड एनिमन एल्स निमी निमी है वेद प्रकाश है दो ही बच्चे हैं यस माही एनिमन एल्स वेरी गुड सोनू माही निखिल बहुत बढ़िया बच्चे मास लेकिन हर गैस के लिए अलग होगा ना एक बच्चा कह रहा है कि सर मास तो चेंज नहीं होगा यस यस अनुराग यस यस तो बच्चे देखिए उसने सारी गैसेस की बात करी है चाहे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है हीलियम है कोई भी गैस है तो बच्चे एक गिवन टेम्परेचर पे क्या चीज कांस्टेंट रहती है मतलब क्या चीज सेम होती है सभी गैसेस के लिए वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल ऑल्सो बी सेम स्पीड नहीं होगी मास नहीं होगा मोमेंटम नहीं होगा इट विल बी योर कैनेटिक एनर्जी ओके अनुराग तुम्हारा आंसर नहीं दिखा यार कोई बात नहीं तो सी विल बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट बच्चे हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है ये बताइए <coughs> बताइए बच्चे ओके okay. इसका क्या आंसर आएगा फोकल लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर वन मीटर 2.5 पॉइंट mm, 2.5 सेंटीमीटर बताइए अंशु वेरी गुड अरे बच्चे ये जो आंसर दे रहे हैं ना ये वाले इनको तो अभी कहते हैं बच्चों कैसे लॉजिक लगाया करो चीजों पे अभी काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं तो अभी तक मैंने सिर्फ एक का ही बोला था अंशु जिसने सही आंसर दिया था उसके अलावा यह है शाइन शाइन के अलावा है अनुराग कैसे हाँ आंसर दो अनुराग तुम्हारा आंसर क्या है

और 2.5 सेंटीमीटर वाले इतनी इतनी आंखें बताओ बच्चे कितना होता है वट इज फोकल लेंथ की लेंथ के जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से लेकर फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई है एक्चुअली में उसका फोकल लेंथ रहता है 2 .2, normally, 2 .2 जाता है लेकिन ये एक्सटेंड होकर टू सेंटीमीटर तक भी जा सकता है तो बच्चे ये एडजस्ट होता है ये जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है तो हमारी आंखों की जो एबिलिटी है देखने की वो भी एडजस्ट होती है जिसे हम क्या कहते हैं द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई इज नोन एज अकोमोडेशन तो ये होता है तो ये नॉर्मल फोकल लेंथ है याद रखना है ओके okay? 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फोर डिस्टिंक्ट विजन ओके इसी को बोलते हैं बच्चों तुम्हारा क्या डी ये, ये वो डिस्टेंस है जहां से हम जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं ओके क्लियर चले आगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे एक्स रेज आर तो एक्स रेज क्या है डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड फ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्टेड बाय बोथ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड बताइए ओके इसका बताइए क्या आंसर आएगा वट वुड बी द राइट आंसर ओके वट वुड बी द राइट आंसर बच्चों सही आंसर क्या आएगा तो यहां पे है अनुराग एंड गीतांशी ओके अनुराग एंड और गीतांशी ने सही आंसर दिया है रेज दोनों संदीप पूजा विकास निखिल अपना है शिखा अमनदीप गीतांशी तरुण आशीष साक्षी वेरी गुड तो बच्चे रेज क्या है सो रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखना है रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट हैव एनी चार्ज ऑन देम इन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो बच्चे अगर ये इन पे चार्ज नहीं है सो नाइदर दे गेट ना इधर दे गेट्लेक्टेड नोर बाई मैग्नेटिक्ड से हो सकते हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही इसको अफेक्ट नहीं करेंगे मतलब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कोई भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओके क्लियर सो डी विल बी द राइट वन नेक्स्ट अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलॉन इन वैक्यूम विच ऑफ द रिमेन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल तो कहता है एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो so, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल लीनियर मोमेंटम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए ओके okay. इसका आंसर देना है बच्चों वट वुड बी द राइट आंसर सही उत्तर क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो सनी कुमार <laughs> विकास विशाल पूजा क्या बात है बच्चों वेरी गुड विपिन अनुराग शिखा नंदनी राजदीप अमनदीप अंशु सो अपना है साक्षी शाइन अनामिका आशीष बहुत बढ़िया बच्चे निम्मी प्रतीक तो बच्चे क्या कह रहा है कि जो है हमारे पास एक बॉडी ऑफ फ्री फॉल कर रही है तो बच्चों फ्री फॉल जब करेगी तो बॉडी बॉडी नीचे आएगी तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी बॉडी की हाइट क्या करेगी डिक्रीज करेगी तो बच्चों अगर हाइट डिक्रीज कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी तो ये तो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती अब जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी हाइट डिक्रीज करेगी लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है

बच्चे पोटेंशियल कम हो रही है तो कनेटिक बढ़ रही है वाई बिकॉज टोटल सम इज कॉन्स्टेंट तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओके सो डी विल बी द राइट आंसर बच्चे कॉस्मिक रेज अंशु यहां पे मैंने देखो मैंने पीछे क्या बताया तुम्हें यहां पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट नहीं होती लेकिन जो कॉस्मिक रेज होती हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर आयनाइज्ड वेव्स ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है पार्टिकल्स होते हैं जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बच्चे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्हें डिफ्लेक्ट करता है वजह से क्या बनता है अरोरा बनते हैं एनी बडी हर्ड ऑफ अरोरा अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियालिस तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस किस वजह से बनते हैं ड्यू टू दीज कॉस्मिक रेस ये जब अर्थ के आइनोस्फियर में से पास करती हैं तो उनको चार्ज करती हैं जिसकी वजह से नदन लाइट्स जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन लाइट्स वो बनती हैं ठीक है थेके? वो ये है कॉस्मिक रेज डिफ्लेक्ट हो सकती हैं क्योंकि वो चार्ज है ये नहीं तो इसका दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे द अटोमिक थ्यूरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय बच्चे मैटर की अटोमिक थ्यूरी किसने दी थी जॉन डॉल्टन रदरफोर्ड जे जे थॉम्सन नील बोहर बताइए ओके यस यस इसका आंसर दीजिए अटॉमिक थ्यूरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड जे जे नील बोहर ओके यस वेरी गुड अंकुर गीतांशी कुनाल विकास अभिषेक श्री अनुराग ओके। बताइए तो बच्चे अटोमिक थ्योरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय जॉन डोल्टन तो जॉन डोल्टन वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अटोमिक थ्योरी प्रपोस्ट करी जिन्होंने अटोमिक मॉडल की शुरुआत करी इन्होंने बोला कि एटम जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एटम को इन्होंने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कहा और बोला कि जो एटम्स होते हैं वो अनडिविजिबल होते हैं उन उनपे कोई चार्ज नहीं होता है अनडिविजिबल है इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता लेकिन बाद में इस पे थॉमसन रदरफोर्ड नील बोहर ये सभी जो है एटम्स के अंदर डिस्कवरी करते गए कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है शेल्स होते हैं सारे बाद में डिस्कवरी हुई लेकिन जो सबसे पहला मॉडल था वो डॉल्टन का मॉडल था ओके okay? <laughs> तो चले आगे बच्चों तो इसका आंसर यह आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंथेटिक रबर हैज रिप्लेस्ड नेचुरल रबर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड इट तो बच्चे कहते हैं कि जो नेचुरल रबर हम लेते थे प्लांट से लिया जाता था उसको हमने एक सिंथेटिक रबर से रिप्लेस कर दिया घरेलू और इंडस्ट्रियल पर्पजेज में वाई पहला नेचुरल रबर इज अनेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज नेचुरल रबर इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज ओनली रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक रबर इज इजिल अवेलेबल नेचुरल रबर इज नॉट ड्यूरेबल तो बताना है कौन सा मेन कारण था जिसकी वजह से सिंथेटिक रबर की शुरुआत हुई स्ट्रक्चर ऑफ एटम यस बच्चे एटॉमिक मॉडल सबसे पहले डाल्टन डाल्टन का था जॉन डाल्टन ठीक है उसके बाद यस yes, जरूर वो जो हमारा वाटरमेलन मॉडल है वो थॉमसन ने दिया है लेकिन जो सबसे पहला मॉडल है ओके okay, वो डाल्टन का है इसका बताना है बच्चों <laughs> कि सिंथेटिक रबर को क्यों यूज किया गया तो बच्चे सिंथेटिक रबर को यूज करने का सबसे बड़ा उस समय का कारण यह था कि जो सिंथेटिक रबर जिस जो नेचुरल रबर है वो जिस प्लांट से मिलता है ओके वो ब्राजील नाम की कंट्री में पाया जाता सबसे पहले वहीं पे आपका जो है मिलता था ठीक है आपका हेविया ट्री था ठीक है कौन सा ट्री था बच्चे हेविया अगर हम बात करें हमारा ट्री था तो जो हेविया ट्री है वो सबसे पहले ब्राजील में पाया जाता था तो ब्राजील क्या है एक ट्रॉपिकल कंट्री है ओके okay, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है ट्रॉपिकल प्लांट समझते हो व्हाट इज ट्रॉपिकल प्लांट बच्चे तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो ना टेम्परेट जोन, जोन, वो प्लांट्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं मेनली रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ठीक है तो वहां पे पाए जाते हैं तो इस वजह से ज्यादातर प्लांट्स वहीं पर मिलते थे तो वहां पर रिसोर्सेज रहते थे उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता था इस वजह से बच्चों सिंथेटिक रबर बनाया गया ताकि ऐसी कंट्रीज में भी रबर इजिली अवेलेबल हो जहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है जैसे पोलर कंट्रीज हैं या टेम्परेट जोन में कंट्रीज हैं। तो इस वजह से जो है बनाया गया जैसे इंडिया में भी बच्चे कहां हैं? यस। yes. इंडिया में भी कहां पे नेचुरल रबर की कंपनी आपने नाम सुना होगा एम नाम सुना है मद्रास रबर फैक्ट्री है ना फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री है साउथ ट्रॉपिकल एरिया है ओके okay? चलो चले आगे बच्चे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन नेक्स्ट बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज और आर करेक्ट बच्चों केमिकल इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है तीन स्टेटमेंट है केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया डाइस्ट सेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट कंजन ऑफ डाइस्ट बताइए से इसका बताना है बच्चे, आ, बच्चे लेकिन वो सिंथेटिक जो जो है synthet, जो है वो नेचुरल में यूज किया जाता है सिंथेटिक में अः थोड़ा सा हमारा जो है थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज रहता है ठीक है इसका बताइए तो बच्चे क्या कारण है कि भारत में जो रासायनिक उद्योग है उसके लिए कौन कौन सा जो कथन है वो सही है ये बताना है वेरी गुड बच्चे yes बहुत बढ़िया तो क्या आंसर आएगा बच्चों वुड बी द राइट आंसर तो बच्चे पहली चीज केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत पुरानी है मतलब आप जो है इंडिया में केमिकल यूजेस मेनली डाई स्टफ जिसके लिए बच्चे इंडिया पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर था इंडिगो याद है इंडिगो फॉर इंडिगो जो है इंडिया का सबसे पुराना इम्पोर्टर इंपोर्ट, इंपोर्ट प्रोडक्ट था इंडिया की जो डाइस थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी जिसकी वजह से सारे जो कंपनीज आई ईस्ट इंडिया कंपनीज जितनी भी आई चाहे वो डच थी चाहे वो ब्राज़ील मतलब पुर्तगीज थी चाहे वो ब्रिटिश थी ठीक है फ्रेंच सारी आए तो आयरिश सारी आई वो इसी की वजह से आई सो फर्स्ट इज करेक्ट ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है अब इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री उसका मेन प्रोडक्ट क्या है डाई स्टफ है डाई स्टफ जो हम कहां पे यूज़ करते हैं कपड़े में तो कपड़े में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो केमिकल्स तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पहला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स

तो क्या आंसर आएगा बच्चों बहुत बढ़िया अंशु पूजा शिखा साक्षी निखिल शाइन अनुराग सो वेरी गुड बच्चे सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं श्री ओके okay. yes, प्रांजलि शैली विकास बहुत बढ़िया तो बच्चों आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो बहुत बढ़िया बच्चे तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम मास नंबर तो बच्चे कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का भी मास नंबर सेम हो सकता है जैसे C614, सिक्स फोर्टीन एन है ना दोनों का मास नंबर सेम है, है। so number, जो कि सही है जैसे हाइड्रोजन वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन वन थ्री कि सेम एटम के डिफरेंट मास नंबर हो सकते हैं सो so आइसोटॉप okay third all the atom of an element have same number of protons तो so, एक कहता है कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स चाहे वो आइसोटॉप सी क्यों ना हो सभी का जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं मतलब एटॉमिक नंबर हमेशा सबके लिए एक ही होता है सो दैट इज आल्सो करेक्ट फोर्थ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इन करेक्ट यहां पर देखो ये है हाइड्रोजन वन वन इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जीरो हाइड्रोजन वन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वन हाइड्रोजन वन थ्री नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू सो देखिए सभी का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हैोंग ऑप्शन ओके डी हमारा जो है वो गलत कथन है ओके okay, बच्चे नेक्स्ट नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पहले हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैज नो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन एंड एक्सप्लोसिव मिक्सचर तो बच्चे अब ये क्वेश्चन तो सभी सही कर देंगे आई थिंक क्योंकि बता दिया है अभी अभी। इसका बताइए सुधांशु सोच के बताना है अभिषेक अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ये चीज बता दी है ओके okay? सो so, पूजा अभिषेक वेरी गुड एनिवर एल्स तो बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चलना है साथ साथ सभी बच्चों ने इसका बताइए कौन सा सही है प्रांजलि गीतांशी वेद प्रकाश निम्मी शिखा सौभाग्य श्री विकास बहुत बढ़िया अनामिका शिवांगी हैप्पी फ्री समीक्षा श्रद्धा सिमरनजीत सुदर्शन मयूर प्रत्युष राजदीप इस बार नेवी पार देवयानी श्रेयांश सौरभ रूपाली आदित्य बहुत बढ़िया बच्चे तो बच्चों हाइड्रोजन एक एलिमेंट है यस yes. हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ये पूरे टेबल में सबसे प्योरीस्ट होता है सब, सबसे लाइट होता है इसका अटोमिक नंबर भी वन होता है मास नंबर भी वन है उसके बाद बात करें इसका कोई आइसोटोप नहीं है इज इनकरेक्ट हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन वन थ्री क्या क्या नाम होता है बच्चे वट आर द नेम्स ऑफ दिस तो दिस इज इस प्रोट्रीटियम इसे हम क्या कहते हैं ट्रीटियम कहते हैं दिस इज ड्यूट्रियम या ड्यूटीरियम ओके एंड द फर्स्ट वन इज प्रोटियम हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम और जो ट्रीटियम है इट इज रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव क्लियर है बच्चे सो सी विल बी द रॉन्ग वन ये भी सही है बच्चों ये चीज कहां यूज करी जाती है जो बच्चे स्पेस शटल्स होते हैं या जो हमारे रॉकेट्स हैं उसमें जो लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो सॉरी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है तो वहां पे फ्यूल सेल्स के अंदर यहाँ ये यूज किए जाते हैं एक 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 सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस होती है लिक्विफाइड होती है और एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होती है दोनों गैसेस को जैसे ही रिएक्ट कराते हैं वाटर बनता है और वेरी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो रॉकेट्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है सो सी इज द इनकरेक्ट वन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट बच्चे सही है पहला एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम लाइम बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन ओके नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके इसका बताइए बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन कौन सा जो स्टेटमेंट है बच्चे वो सही है इसका आंसर देना है सो so, पूजा शाइन एनीम एल्स पूजा एंड शाइन अभिषेक अभिला अभिल पासा शिखा अनुराग आरजू साक्षी बहुत बढ़िया बच्चे खुशबू अंजलि प्रांजलि ज्योति श्री मेघा शैली हेमलता हैप्पी आदित्य अमित सौरभ गीतांशी आशीष साक्षी बहुत बढ़िया बच्चे तो बच्चे एसिड रेन जो होती है फर्स्ट इज करेक्ट एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग्स मेड ऑफ लाइम स्टोन जो लाइम स्टोन से बिल्डिंग बनी है लाइम स्टोन हो गया या मार्बल मेनली क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो जैसे ही एसिड इसके साथ रिएक्ट करती है वो बिल्डिंग्स को क्या कर देती है नुकसान पहुंचाती है इसे बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी ओके स्टोन लेप्रोसी तो ये होता है ठीक है तो दिस इज करेक्ट दूसरा बर्निंग ऑफ सल्फर बच्चे जब सल्फर को बर्न किया जाता मतलब जो कोल होता है तो जिस कोल में सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है बच्चे उसका नाम है पीट पीट इज मोस्ट पोल्यूटेड कोल जब ये कोल जलता है तो बच्चों सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है जैसे ही रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड बनता है जिस वजह से एसिड रेन होती है एसिड रेन uh, की पीएच कम हो जाती है उसे एसिड रेन कहते हैं यूट्रोफिकेशन इज इज नॉट अ अ मेथड टू टू कंट्रोल पोल्यूशन इट एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम द बायोडाइवर्सिटी ये बायोडाइवर्सिटी और हमारे एटमोसफेयर के लिए मेजर प्रॉब्लम है ओके okay, ये पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है सो वन एंड टू आर करेक्ट सो ए विल बी द राइट आंसर ओके यस इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं स्टोन लेप्रोसी को है ना बच्चे ए जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो केमिकल चेंज का है बर्निंग ऑफ पेपर मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर प्रेपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर बताइए ओके बताइए बच्चे बी द राइट वन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है मतलब जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है यह बताना है सो वेरी गुड शिवांगी विकास अभिषेक साक्षी लू विपिन समीक्षा माही सौभाग्य खुशबू शिखा अनामिका बहुत बढ़िया बच्चों आंसर देते दे चलिएगा सबके सब साक्षी नहीं सॉरी मेघा प्रत्युष मृणाल इस बार प्रत्युष राहुल विपिन अभिषेक महंता वेरी गुड तो बच्चे केमिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होती है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है जैसे पेपर तो बच्चे बर्निंग ऑफ पेपर जब पेपर को जलाया जाता है क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पेपर मिली ओके थोड़ा सा ऐश बचती है बस स्मोक उड़ जाता है और बच्चे केमिकल चेंज जो होती है वो एक इिवर्सेबल चेंज है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इवर्सेबल कई बार रिवर्सिबल भी होती है लेकिन ज्यादातर केसेस में इर होती है ठीक है तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज बच्चे मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन जो है वो केमिकल चेंज नहीं है वो एक्चुअली में एक मैग्नेटिक चेंज है डिजोल्यूशन ऑफ केन शुगर बच्चे चीनी को पानी में घोलना एक फिजिकल चेंज है और आइस क्यूब बनना भी एक ऐसी चेंज है फिजिकल चेंज है लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल हो बर्निंग ऑफ वुड बर्निंग बर्निंग ही तुम्हारी केमिकल चेंज होती है सो ए विल बी द राइट आंसर ओके यस 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 श्री क्लियर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ आइस 100 ग्राम इन मास इज कैप्ट एट जीरो डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ हीट इट रिक्वायर टू मेल्ट एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज बताना है बच्चे कि कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हंड्रेड ग्राम की जो आइस है वो मेल्ट हो जाए सो वट वुड बी द राइट आंसर बच्चे <coughs> सही आंसर क्या होगा वाई नॉट सी बच्चे सी जो है डिजोल्यूशन है मतलब चीनी को पानी में घोलना केमिकल चेंज नहीं है ठीक है अनुराग ने बताया ना डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी हाइड्रोलाइजिकुडन इट बी केमिकल चेंज बच्चे केमिकल चेंज जो होती है सिमिलर अगर हम बोले कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है जो डिजोल्यूशन ऑफ शुगर है उसमें क्या है कि वो सिर्फ हाइड्रोलाइज हुई है अगर हम वाटर रिमूव कर देते हैं या उसे क्रिस्टलाइज करेंगे फिर से चीनी मिल जाएगी ओके वेरी गुड बच्चों तो विशाल है गीतांशी ज्योति राजू राहुल विकास अभिजीत सृष्टि शिखा यस बच्चे इसका बताइए राहुल तो बच्चे क्या है कि हमारे पास क्या है हंड्रेड ग्राम का आइस है हमें क्या करना है आइस से बनाना है वाटर मतलब आइस को मेल्ट करना है तो बच्चों उसे कौन सी हीट देनी पड़ेगी तो बच्चों जीरो डिग्री वाली आइस जो है वो जीरो डिग्री वाले, वाले वाटर में कन्वर्ट हो रही है मेल्ट हो रही है तो हम उसे कौन सी हीट देंगे लेटेंट हीट सो so, लेटेंट हीट इज दउंट ऑफ हीट गिवन टू अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम तो ये वह उषमा है जो किसी वस्तु को दी जाती है तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है लेकिन उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसे कहते हैं गुप्त उष्मा तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है एम ये वैल्यू दे रखी है इंटू एल एच एफ इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो एम कितना है हंड्रेड और एल एच कितना है थ्री थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जूल पर ग्राम है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री थ्री सिक्स जीरो जू

ये बताना है तो आई थिंक आज भी कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा आज भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने जो अभी क्रैश कोर्स वाले है ना बच्चों याद है यस वेरी गुड धुनु रूपाल पूजा सौभाग्य शिखा अनिल अनामिका अभिषेक साक्षी प्रांजलि शाइन राहुल आदित्य तो बच्चे जर्मन सिल्वर तो जर्मन सिल्वर क्या होता है जब कॉपर और उसमें क्या मिलाया जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता है तो बच्चे क्या मिलता है जर्मन सिल्वर मिलता है तो जर्वर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है अब इसे सिल्वर क्यों बुलाते हैं जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर के नाम से क्यों बुलाते हैं तो पहला रीजन यह है कि इसको जर्मनी में डिस्कवर किया गया था जर्मनी में सबसे पहले बनाया गया था इस वजह से इसको जर्मन सिल्वर नाम दिया गया इस वजह से नहीं कि जर्मनी वाले पहले थे जिन्होंने सिल्वर को यूज किया था ये गलत है तो बच्चे जर्मन सिल्वर इसलिए बुलाते हैं एक तो जर्मनी में डिस्कवर हुआ है तो जर्मन वहां से नाम आया और सिल्वर जैसी इसकी अपीयरेंस होती है ये चांदी जैसा दिखता है तो ये बर्तन वगैरह में काफी यूज किया जाता है सो सी विल बी द राइट आंसर ओके चले आगे बच्चों हाँ तीसरा भी होता है ठीक है यस यस टिन हमारा टिन भी आ जाता है चले आगे तो आगे चलते हैं बच्चे आगे है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस विच वॉज इन डिजास्टर इन भोपाल इन 1984 वाज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ तो बच्चों यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी भोपाल में तो वहां से एक गैस का रिलीज हुआ था रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट विच वॉज डिजास्टरस गैस तो बच्चे वो जो फैक्ट्री थी वो क्या बनाती थी डाइज डिटर्जेंट्स एक्सप्लोसिव या पेस्टिसाइड्स अभिषेक ठीक है अनुराग ऐसे बहुत से नाम है पूजा यस, अनिल शाइन अमनदीप फ्रीक बहुत बढ़िया बच्चों वेरी गुड तो बच्चे अनुराग कह रहा है कि सर सिल्वर है नाम में सिल्वर है वैसे सिल्वर नहीं है बच्चे रोल्ड गोल्ड गोल्ड नहीं है गोल्ड गोल्ड है मतलब कॉपर एंड वो किसका मिक्सचर होता है हमारे पास आयरन का होता है तो रोल्ड गोल्ड आ जाता है ठीक है सॉरी कॉप ठीक है उसके अलावा आ जाता है तुम्हारे पास फूल्ड्स uh, गोल्ड वो भी गोल्ड नहीं है वो पायराइड है आयरन का तो नाम में है तो बच्चों क्या उनकी फैक्ट्री थी तो उनकी फैक्ट्री थी पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड का फैक्ट्री था तो इस फैक्ट्री में क्या था सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया गया था जिस वजह से रातों रात गैस लीक हो गई थी तो काफी सारे लोग जो है काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी सो दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी एटी के नाम में है इसका नाम तो डी विल बी द राइट आंसर ओके यस आगे बच्चों नेक्स्ट तो डी विल बी द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर मेड अप ऑफ मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट द प्लास्टिक यूज देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज तो बच्चों जो कुकर के हैंडल्स होते हैं वहां पे एक नॉन कंडक्टर प्लास्टिक को यूज किया जाता है तो वो कौन सा है आपको ये बताना है ओके okay? इसका बताइए बच्चों वट वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो वेरी गुड uh, पूजा अनुराग शिखा अनिल शाइन सोनू बहुत बढ़िया बच्चे एनी वन एल्स और कोई बच्चा फ्रीक लोकेश चंद्रा ज्योति विकास मृणाल इति समीक्षा माही शैली गीतांशी सौभाग्य रूपाली बहुत बढ़िया बच्चे तो बच्चे जो कुकर के हैंडल्स होते हैं कुकर के हैंडल्स और जो हमारे स्विचेस होते हैं वो सेम मटेरियल के बने होते हैं वो एक ऐसा मटेरियल है जो हीट का भी इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंसुलेटर है उसका नाम है बैकेलाइट उसका क्या नाम है बच्चे दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ बैकेलाइट बैकेलाइट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इसपे सवाल पूछा जाता है तो बैकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इंसुलेटर है ये कुकर के हैंडल्स भी बनते हैं और स्विचेस भी बनते हैं ठीक है ये बच्चे कैसा प्लास्टिक होता है आंसर देंगे सभी बच्चे आंसर देंगे बैकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक होता है ठीक है नाम सुने है ना थर्मो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ओके क्वेश्चन बाद में आता है क्वेश्चन तो पहले आता है बच्चे सोनी इसका बताइए <laughs> चले बच्चों आगे बैकेलाइट कैसा मटेरियल है कैसा प्लास्टिक है तो बच्चे अब क्वेश्चन है बायोलॉजी से क्वेश्चन क्या है वेरी गुड यस यस पॉलीमर तो है बच्चे लेकिन कैसा है ओके okay? तो क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ओके okay? तो चार स्टेटमेंट्स है पावो क्रिस्टेस आपका जो है क्रिस्टेटस जो है इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया दूसरा नल्बो न्यूसीफेरा इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया फिकस बेंगलेंसिस इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया मैग्नीफेरा इंडिका इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इसका बताइए वेरी गुड अनिल यस यस अनिलइटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वेरी गुड बताइए बच्चे इसका क्या आंसर आएगा यस 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 तो बच्चे बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन विशा विपिन समीक्षा चंद्र कुणाल तो बच्चे हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है पावो क्रिस्टेटस क्या है बच्चों तो ये है हमारा पीकॉक इंडियन पीकॉक का नाम है सो विच इज करेक्ट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया नेलुम्बो नुसीफरा गेटन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया डेट इज लोटस ये कमल की बात हो रही है ओके लोटस नेक्स्ट बात करेंगे फिकस बेंगल इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया दैट इज ऑल्सो करेक्ट ये किस ट्री की बात हो रही है बच्चे बनयान ट्री बरगद के पेड़ की बात हो रही है चौथा है मैग्नी इंडिका तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या होता है बच्चों है तो नेशनल लेकिन है क्या ये कोई एनिमल नहीं है ये है मैंगो है ना मैंगो मैंगो है ना वट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया तो बच्चे उसका नाम है पेंथेरा टिग्रिस विच इज बच्चे क्या है रॉयल बंगाल टाइगर क्या है बच्चों हमारा रॉयल बेंगोल टाइगर सो दिस वन इज ए इनकरेक्ट वन सो डी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन ठीक है डी हमारी गलत है चले आगे बच्चों यस <laughs> yes. तो मैंगो एक फ्रूट है ना कि एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 200 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर व्हिच वेवलेंस ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक विजुअल सेंसेशन टू द आई बताना है ओके इसका बताना है बच्चे इसका क्या आंसर आएगा तो बच्चे क्या बोल रहा है कि तीन वेवलेंथ की लाइट आ रही है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, 200 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर तो कौन सी ऐसी रे है जो आंखों को सेंसे, सेंसेशन देगी विजुअल सेंसेशन किस में आएगा वेरी गुड मेघा पूजा अन अपना राहुल अनुराग हैप्पी तो बच्चे फ्री चंद अपना है निरंजन शाइन यस राहुल बहुत बढ़िया सही जो वो है एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है तो so, बच्चे हमारी जो आइज होती हैं हमारी जो आईज होती हैं है, वो कौन सी रेज को डिटेक्ट कर सकती हैं तो so, हमारी आईज सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकती है विजिबल लाइट तो so, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तो so, चाहे 700 से बाद वाली आए चाहे पहले वाली हमारी आईज वो डिटेक्ट नहीं कर सकती तो so, बच्चे 200 नैनोमीटर इज स्मॉलर देन 400 सो इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द आईज 1000 नैनोमीटर इज बीगर देन 700 सो दे आर आल्सो नॉट डिटेक्टेड बाय द आईज तो आई सिर्फ और सिर्फ किसको डिटेक्ट करने वाली है ओनली 500 नैनोमीटर क्योंकि यही हमारी आईज में विजुअल सेंसेशन दे सकती हैं ओके okay? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन नेक्स्ट ब्लीडिंग ऑफ गम्स फॉलिंग ऑफ टीथ फ्रैजाइल बोन एंड डिलेड वुंड हीलिंग अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस किस विटामिन की वजह से द, द, मसूड़ों से खून आता है दांत दांत गिर जाते हैं अस्थियां भंगुर हो जाती हैं और हीलिंग में दिक्कत आती है विटामिन सी विटामिन के विटामिन डी विटामिन बी ओके okay? इसका बताइए इसका क्या आंसर आएगा बच्चे अब यहां पे हाँ अब यहां पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर ब्लीडिंग ऑफ गम समझ आता है फॉलिंग ऑफ टीथ और फ्रिजाइल बोन में दिक्कत हो जाती है हीलिंग वाले में दिक्कत हो जाती है ना बट विल बी द राइट आंसर बच्चे कौन सा विटामिन होता है तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी तो बच्चे विटामिन सी की दिक्कत से भी ये कारण हो सकते हैं सो ब्लीडिंग ऑफ गम्स पायरिया या जो स्कर्वी के अंदर आता है फॉलिंग ऑफ टीथ ओके बोन्स का फ्रेजाइल होना बोन्स क्यों फ्रेजाइल हो जाती है क्योंकि बच्चे जो विटामिन सी है जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है हमारे अंदर जो है एक तो आयरन का एब्जॉर्बन कम हो जाता है आयरन ऑब्जॉर्बन में बहुत बड़ा हेल्प करता है विटामिन सी तो हीलिंग में दिक्कत तो वहीं से आनी शुरू हो जाती है दूसरा क्या है बोन के अंदर भी जो है विटामिन डी और सी और जो है कैल्शियम का लेवल गिरना शुरू हो जाता है इस वजह से ओके okay? तो क्या आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट द मेमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तो बच्चों कहता है कि जो स्तनधारी होते हैं उनका हार्ट पेशी जनक होता है मतलब पेशियों से चलता है तो बच्चे उनमें जो हार्ट बीट है वो कहां से शुरू होती है सीनो, नोड वेव, टी वेव हिपाटिक पोर्टल इसका बच्चों। बस बच्चे हर्षित, इसके बाद दो क्वेश्चंस और बचे हैं ओके सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर तो वेरी गुड अंजलि सौभाग्य गीतांशी पूजा बहुत बढ़िया बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे यस yes, यस yes, शिखा अभय अमनदीप ज्योति माही आदित्य हैप्पी राहुल इति विकास सौरभ मृणाल विपिन कुणाल बहुत बढ़िया बच्चों तो बच्चे देखिए जो मैमल्स का हार्ट होता है उनमें जो हार्ट बीट है वो कहां से जनरेट होती है तो बच्चे एक नोड होती है जिसे बोलते हैं एस ए नोड सिनो ऑट्रियल नोड ये जो ऐसे नोड है ये बच्चे हमारे एक आगे एक और नोड होती है जिसे बोलते हैं एवी नोड ऑट्रियोवेंट्रिकल नोड उसको सिग्नल जनरेट करती है और वो जो नोड है वो जो हमारा वॉल्व है कस्पिड वॉल्व है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड करती है इस तरह से हार्ट बीट रेगुलेट रखती है ठीक है तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसे बच्चों हार्ट का क्या भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट इसे हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बच्चे टेन क्वेश्चन होंगे बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के टेन टेन क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वाशियोर्कर डिसीज इन चिल्ड्रन इज कॉस्ड बाय बच्चों क्वाशी ओरकर नाम की जो बीमारी है वो किस वजह से होती है सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट बट लेस फैट इन डाइट सी डेफिशियंट प्रोटीन इन डाइट सफिशियंट विटामिन बट डेफिशियंट फैट इन डाइट डेफिशियंट फैट्स बट फैट्स बट इन डाइट बताइए क्वाशियोरकर यस yes, यस yes. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को बच्चे आ, अगर हम बात करें इसको मैराथन में भी करवाया गया था लास्ट टाइम मेरे को याद है तो ये क्वेश्चन आया था बताइए वट वुड बी द राइट आंसर बच्चे क्वाशियोरकर नाम की जो डिजीज है वो किस वजह से होती है तो यस yes, बहुत बढ़िया बच्चों सभी बच्चे अच्छे से सही आंसर दे रहे हैं सो क्वाशियोरकर इज अ डिसीज दैट इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स तो बच्चे जब भी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स होती है तो बॉडी में लथार्जी आती है हेयर फॉल्स शुरू हो जाता है ठीक है बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है उस डिसीज को बोलते हैं क्वाशी और कर. ये डेफिशिएंसी ट्विट की वजह से होती है ठीक है यस यस इसके साथ दूसरा क्या है नाम बच्चे दूसरा कौन सा है मरासमस दूसरी हमारी डिसीज आ जाती है मरासमस ओके जल्दी आएंगे हैप्पी तो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट बच्चे द पी एच वैल्यू ऑफ ए सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज तो बच्चे बहु आसूत जल के नमूने का पीएच मान क्या है जीरो है चौदह है नियर टू जीरो है या नियर टू सेवन है ये बताइए वट वुड बी द राइट आंसर बच्चे सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का तो बच्चे पीएच वैल्यू कितनी होती है डिस्टिल्ड वाटर मल्टीपल टाइम डिस्टिल्ड वाटर की So, बताइए आएंगे भाई हर्ष जरूर आएंगे टेंशन लो हम ही आएंगे सो so, पूजा राहुल अनुराग फ्रीक सोनू माही कुणाल गीतांशी साक्षी बहुत बढ़िया बच्चों राहुल मेघा अरज सौभाग्य नंदिनी तो बच्चे बात करें तो जो हमारा वाटर होता है जो डिस्टिल्ड वाटर है यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम डिस्टिल्ड है उसमें ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट सारे रिमूव हो रखे होते हैं सिर्फ क्या बचता है एच टू ओ बचता है जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो बच्चे न्यूट्रल का मतलब क्या है इसकी पीएच जो है सेवन के क्लोज होती है या इक्वल होती है सेवन पे न्यूट्रल होगा सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों हमारा राइट right आंसर होगा तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉप 50 क्वेश्चन बेस्ट 50 क्वेश्चन का जो सेशन है वो फिनिश होता है सो so, अब नेक्स्ट फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सो बच्चों आई होप सबको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक like करना है शेयर करना है मैक्सिम जितना आप कर सकते हैं और बच्चों आपको है जो इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पिछले क्लास का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा मिला नहीं है अभी वो भी आ जाएगा तो बच्चों टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा आप मुझे भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं साइंस बाय अमनदीप सर के नाम से ओके तो ये बच्चों हमारा चैनल है सो बच्चों जिन्होंने अभी तक जो है बायजू एग्जाम प्रैप के डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों मिलते हैं आपको नए एक्साइटिंग सेशन के साथ उसके साथ साथ बच्चों आप जो है

इसके अलावा जो है बच्चों नेक्स्ट ईयर सीएपीएफ 2022 के लिए भी जो है नया कोर्स लॉन्च हो चुका है तो अगर आप नेक्स्ट ईयर सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा ओटीए वाले बच्चों के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है ओके जो बच्चे इस साल ओटीए सीईडीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो एट्थ अक्टूबर से ही बैच लॉन्च किया गया है आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चों आप भी इन बच्चों की तरह सिलेक्शन ले सकते हैं और एक और न्यूज आपका जो है बच्चे क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है ओके आठ अक्टूबर से तो बच्चों अगर आप प्रैक्टिस जो है क्रैश कोर्स सॉरी आपका क्रैश कोर्स तो शुरू हुआ है उसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थेके? तो बच्चे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उनको सारे के सारे कोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं बायजू एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से

पर मंथ की बात करें तो पर मंथ में आपको जो है लगभग 500 हंड्रेड पढ़ेंगे फाइव में आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं बायोजू एग्जाम प्रेप से तो बच्चों इसी के साथ हम आज के सेशन को यही फिनिश करते हैं तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर से लाएंगे एक और नया सेशन जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे वे में दे पाए सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी तो जुड़े रहिए बायजू एग्जाम प्रेप से तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों बाय बाय टेक केयर गुड नाइट जय हिंद